हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। टुडे वी विल स्टार्ट अगेन लर्न अबाउट द चैप्टर फोर नेचुरल रिसोर्स। प्रीवियस क्लास कंप्लीट द चैप्टर, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज ए। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? अ सन, बी कोल, सी पेट्रोलियम। सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? विंड, वाटर, मिनरल्स। पवन, जल, खनिज। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द यूज ऑफ, बिजली के उपयोग के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। प्लांट्स, एनिमल, फ्लोइंग वाटर, पौधों, जानवरों, बहता पानी। फोर्थ, एन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डैश सोलर पावर, बी पेट्रोल, सी नेचुरल गैस। ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, बी। फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, डैश रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, संसाधन अटूट है। सेकेंड, डैश पवन डैश इज यूज टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड, डैश हेल्प्स प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए पौधों की मदद करता है। फोर्थ, वी शुड कंजर्व डैश रिसोर्सेज, हमें संरक्षण करना चाहिए किस संसाधन का। सी, मैच द फॉलोइंग आंसर, मैचिंग करनी है। फर्स्ट, एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड सन, फोर फॉसिल फ्यूल्स, फिफ्थ एनिमल्स एंड प्लांट। बायोमास, बी नॉन रिन्यूएबल, सी हाइड्रोजेनिक हाइड्रो एनर्जी, डी विंड एनर्जी, ई सोलर एनर्जी। मैच द करेक्ट फॉलोइंग। ओके, डी, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, सी द आंसर। प्राकृतिक संसाधन क्या है, आंसर देखिए। A natural resources is what people can use which come from the natural environment. एक प्राकृतिक संसाधनों से में लोग क्या उपयोग कर सकते हैं जो प्राकृतिक वातावरण से आता है। All materials obtained from the nature to satisfy our daily needs are called natural resources. हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से प्राप्त सभी सामग्री प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन, What are renewable resources? Give three example. नवीकरणीय संसाधन क्या है, तीन उदाहरण दीजिए। Answer, A renewable resources is a resources which can be used repeatedly and replaced naturally. एक नवीकरणीय संसाधन एक संसाधन है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और इसे प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। जैसे example, solar energy, biomass, fresh water. सौर ऊर्जा, बायोगैस, ताज़ा पानी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव टू एग्जांपल। गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है, इसके तीन उदाहरण दीजिए। आंसर, दीज आर द रिसोर्सेज डेट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, ग्रोन और जनरेटेड अगेन बाय द नेचर। ये वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा पुनः उत्पन्न, विकसित या उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फोर्थ क्वेश्चन, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ एनी थ्री नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी तीन प्राकृतिक संसाधनों में से प्रत्येक के एक का उपयोग दे। आंसर, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी इज सिंपली द लाइट एंड हीट दैट कम फ्रॉम द सन। सौर ऊर्जा केवल सूर्य से आने वाली प्रकाश और गर्मी है। फोटोवोल्टेइक सेल विच कन्वर्ट सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी वेयर हीट फ्रॉम द सन इज यूज टू मेक हॉट वाटर और स्टीम। फोटोवोल्टेइक सेल जो बिजली में सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है, और तापीय प्रौद्योगिकी जहाँ सूर्य से निकलने वाली गर्मी का उपयोग गर्म पानी या भाप बनाने के लिए किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम थ्री अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, तीन वैकल्पिक स्रोतों के नाम बताइए। आंसर,
थ्री अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर, तीन वैकल्पिक स्रोतों के नाम है, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, सोलर पावर, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 6, व्हाई डू वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों करते हैं। आंसर, वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ आवर डेली नीड्स, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह दैनिक आवश्यकताओं का मुख्य स्रोत है। वी नीड टू कंजर्व इट बिकॉज दे आर लिमिटेड ओनली एंड इफ देयर रिसोर्सेज आर एब्यूज्ड एंड हार्म्ड, हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे केवल सीमित हैं और अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग और नुकसान होता है, वी विल हैव शॉर्ट क्वान्टिटी ऑफ सोर्सेज फॉर फूड एंड लिविंग, हमारे पास भोजन और रहने के लिए स्रोतों की कम मात्रा होगी। रिमेंबर अवर फ्यूचर जनरेशन विल नीड ऑल्सो अवर नेचुरल रिसोर्सेज, याद रखिए हमारी भावी पीढ़ी को हमारे प्राकृतिक संसाधन की भी आवश्यकता होगी। ओके स्टूडेंट, यू कंप्लीट द होमवर्क इन होमवर्क कॉपी एंड स्टार्ट बिफोर राइट योर डेट चैप्टर, चैप्टर नेम राइट नीट एंड क्लीन राइटिंग। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी कंप्लीट इन योर बुक एंड क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट योर होमवर्क कॉपी। ओके, बाय बाय।